हे दोस्त, मैं सुकुमार आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूँ। दोस्त तो दोस्त कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो चलते हैं दोस्त वीडियो पर, देखेंगे आज का जो चैप्टर हो वो चैप्टर जो होगा प्रकाश का अपवर्तन होने वाला, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो दोस्त देखेंगे आज जो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक ना, किस तरह से काम करता है, किस रूल के हिसाब से करेगा, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो दोस्त चलेंगे कि देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग आपको टॉपिक लिखेंगे और टॉपिक को लाइन बाय लाइन आपको हम समझाते चले जाएंगे दोस्त। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के, ठीक ना, अपवर्तन का बात करा, तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक ना दोस्त, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते, ठीक ना। चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रकाश के अपवर्तन, ठीक ना, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं दोस्त, सबसे पहले देख रहे थे इसमें कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोस्त को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्त क्या हुआ, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखेंगे दोस्त रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, तो चलिए मैं एक आपको समझाऊंगा बढ़िया से, समझ में आने का मैं आपको उसके साथ साथ में थ्योरी भी लिखाऊंगा, ठीक दोस्त। चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक मिनट आप लोग देखते जाइए। देखिए मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मान लीजिए कि दोस्त एक नॉर्मल है मेरे पास, ठीक ना, देखिए ये कैमरा एक नॉर्मल हुआ, ठीक, ये कैमरा नॉर्मल हो गया, ठीक, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक हवा को रखना चाहूँगा, ठीक ना, क्या करूँगा, हवा को, एक मिनट जाइए, हवा, ठीक ना दोस्त, हवा, और मैंने यहाँ पर क्या लिया, कांच, ठीक ना, यहाँ पर मैंने क्या लिया, कांच। तो हम लोग देखते हैं कि जब, ठीक ना, हवा और कांच में, हवा और कांच में दोस्त कौन सघन हुआ, कौन ब्लर हुआ, ठीक ना, मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, रेयर कौन हुआ और डेंसर कौन हुआ। तो रेयर हम लोग देखेंगे तो रेयर का मतलब क्या कहते हैं, रेयर कहते ना, कहते ये रेयर जनरल होता ही रहता है, सघन का मतलब है सटा सटा, ठीक ना, क्या कहते सटा सटा, सघन का मतलब क्या था, सटा सटा, ठीक ना, जो बहुत मजबूत से, जो बहुत कस के पकड़ा हो, जकड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सघन बोलेंगे। और विरल का मतलब दूर दूर, ठीक ना, क्या कहते दूर दूर थोड़ा हट हट के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विरल कहते हैं, विरल मीडियम। तो ये हवा हो गया, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे विरल, ठीक ना, विरल, ठीक ना, माध्यम कह सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, विरल माध्यम, इसको हम बोलेंगे सघन, ठीक ना, सघन माध्यम, ठीक ना, सघन माध्यम। ओके दोस्त, इसमें किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक लाइन लेंगे, तो मान लेते हैं कि दोस्त कोई लाइट जो आ रहा है, कोई लाइट इधर से आ रहा है, किधर से, तो विरल वाला में से, ठीक ना। तो देखिए ये लाइन, ये रे जो आएगा यहाँ पर, इस पर टकराने के बाद, ठीक ना, वो क्या होता है, देखिए ये हल्का या तो मूव कर जाएगा, ठीक ना, क्या ना क्या, या तो फोर आ रही है तो बैकवर्ड हो जाता है, ठीक ना, कहने का या तो नॉर्मल से, ठीक ना, अवे, ठीक ना, क्या होता है, फार अवे, और नॉर्मल के नज़दीक, यानी मतलब नॉर्मल से क्या होगा, ऊपर जाएगा, और नॉर्मल से नीचा भी हो सकता है, ये कंडीशन दो गो, ठीक है, दो कंडीशन ही फ्लो करेगा, या तो नॉर्मल में आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये नॉर्मल कब झुकेगा और नॉर्मल से दूर कब हटेगा, इसका भी मैं कंडीशन लिखाऊंगा आपको, ठीक। तो चलिए दोस्त, तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले ये मेरा पॉइंट को मान लेते हैं ओ, ठीक, इसको माने ए, इसको माने मैंने बी, थोड़ा इसको हटा देते हैं सबको, ठीक, फिर बाद में तो लिख रहे करेंगे आप लोगों को, ठीक। चलिए मेरा हुआ बी, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे मेरे भाई, कि देखिए जब लाइट क्या, जैसे देखिए लाइट सीधा आ रहा था, मगर सीधा नहीं होकर क्या हुआ, इसका हल्का क्या बेंड कर गया, नहीं क्या हुआ, इसका बेंड कर गया, ठीक ना, बैकवर्ड बेंड कर दिया, मतलब पीछे हो गया, पीछे क्या बेंड हो रहा है, देखिए जाना था इधर मगर बेंड हो गया इधर। तो दोस्त इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल आई, ठीक, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल आर, ठीक ना। और इसमें एक बात मैं कहूँगा कि एंगल आई और एंगल आर इसमें कोई बराबर नहीं हो रहा है, ठीक ना, बराबर, जबकि आपको क्या होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक ना, इसके यहाँ पर क्या था, बराबर था, मगर क्या होता है, ये मूव कर रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक ना, ये एंगल क्या है, यहाँ पर बन के आ गया, बेंड हो गया, ठीक। तो क्या होगा मेरे दोस्त, कभी कभी क्या होगा, ये जो दिख रहा है, ठीक ना, ये क्या होगा, इस आई से कभी कभी क्या होता है, या तो बड़ा होगा या तो उससे कम हो सकता है, ठीक ना। अब हम इसमें देखेंगे कि इस लाइन रे सबको मैं क्या बोलूँगा, ठीक, इसको हमने एन मान लेते हैं और इसको हमने एन डैश मान लेते हैं, ठीक ना दोस्त, क्योंकि थोड़ा अंधेरा है, फिर भी आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ठीक ना, अंधेरा है उससे कोई मतलब नहीं दोस्त, आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आपको ऑल एग्जाम में काम आएगा, ऐसा नहीं है,
ठीक है, ऑल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको थ्योरी सबसे पहले बता रहा हूँ, उसके बाद थ्योरी के बाद जो होगा आपको हम न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए, तो ये जो रे आ रहा है दोस्त, इस रे को हम क्या बोलेंगे, ठीक ना, इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दोस्त इस रे को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक ना, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक दोस्त, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ये ओ ए हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, ठीक ना, आपतित किरण, किरण, फिर आप कहेंगे आपतित किरण, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, एक बार मैं देख लेता हूँ कि पूरा फ्रेश तो हो रहा है, ठीक, चलिए दोस्त, ये आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ओ ए हुआ आपतित किरण, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन इधर जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओ बी को, ठीक ना, ये आपतित हुआ, इसको बोलेंगे प्राव, मतलब वो ये आपतित, इसको बोलेंगे अपवर्तित, क्या बोलेंगे, अपवर्तित, ठीक ना, ये आपतित हो गया, और दूसरा जो होगा आपका अपवर्तित हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा, अपवर्तित, ठीक ना, अपवर्तित, किसी को दिक्कत इसमें, अपवर्तित किरण, ठीक ना, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। उसके बाद मेरे दोस्त ये क्या है, ओ पॉइंट क्या था, तो ओ पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक ना, क्या बोलेंगे, ओ पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, आपतन बिंदु, ठीक, चलिए ये आपतन बिंदु हो गया, चलिए तो इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु, आपको याद रखना है, इसका हुआ आपतन बिंदु, ठीक ना, आपतन बिंदु, ठीक है, आपका थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक ना, आपतन बिंदु, ठीक ना, आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु हो गया, और ये एन और एन डैश हो गया, ये क्या नॉर्मल हो गया, एन और एन डैश हो गया आपके पास, ये क्या अभिलंब हो गया, ठीक ना, और भी लंब, अभिलंब, इसमें किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत, तो कमेंट करके बताए, किसी को कहीं भी दिक्कत, किसी को कहीं भी समस्या, तो मुझे कमेंट कर आपको करके बताना है, ठीक दोस्त। चलिए, ये आपतन बिंदु आपको समझ में आ गया, ये आपतन बिंदु हो गया, अब ये आय जो दिख रहा है ये क्या है, तो इसको बोलेंगे, देखिए ये आपतन, ये आपतित किरण है, तो यहाँ पर लिख देंगे आपतन कोण, ठीक ना, आपतित किरण की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको एंगल में लिखना है, तो हम इसको लिख देंगे एंगल में, एक ठोक क्या लिखेंगे, आपतन कोण, ठीक ना, इसको क्या कहें, आपतन कोण, इसको लिखेंगे परावर्तन कोण, ठीक ना, सॉरी अपवर्तन कोण, ठीक है, ये क्या आपतन कोण, एक हो गया आपका अपवर्तन कोण, ठीक ना, ये आपतन कोण, एक अपवर्तन कोण हो गया, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, ठीक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं इसको मिटाऊंगा और डेफिनेशन में भी इसको हम लिखाना चाहूंगा। चलिए चलिए दोस्त, एक बार आ जाए यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि देखिए कभी कभी क्या होता है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है, ये आय जो है क्या होगा, आर से बड़ा होगा, ठीक है, या कभी क्या होगा, आय जो है आर से बड़ा ही हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा, आय एक बार क्या होगा, ग्रेटर देन, एक बार लेस देन हो सकता है, इस कंडीशन में जब रिफ्लेक्शन आपको क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या चेंज होता है, तो ठीक ना, आय क्या होगा दोस्त, आय को हम लोग क्या बोलेंगे, बोले तो आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक ना, आप तन कोण, आय को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसको क्या बोलेंगे, आय तो हो गया, आय को क्या बोलेंगे, बोलिए आपतन कोण के बाद आय को क्या बोलेंगे, है ना, अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, ठीक ना, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, मतलब अपवर्तन कोण एंगल, ठीक, ये हो गया, इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो दोस्त मैं आपको बढ़िया से बेहतर तरीका से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक ना, थोड़ा अंधेरा है फिर भी दोस्त आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर लेते जाइए। देखिए, तो अब क्या हो रहा है कि देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो आप क्या देखते हैं कि मूव कर रहा था, या तो नॉर्मल की तरफ आ रहा था या नॉर्मल से दूर जा रहा है, ठीक ना, तो आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आप लोग इसको डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ठीक ना, जब प्रकाश की किरण, ठीक ना, किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से ठीक ना, दूसरे, ठीक ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक ना, प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक ना, प्रवेश करती है, तो वह, ठीक ना, वह अपने मूल पथ से, ठीक ना, क्या होगा, मूल पथ से, ठीक है, मूल पथ से क्या होगा, विचलित हो जाता है, बीच, ठीक ना, विचलित हो जाता है, ठीक ना, हो जाता है, ठीक,
इसमें किसी को दिक्कत किसी को परेशानी। देखिए क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से जिस पथ में जाना चाहिए उस पथ में न जाके क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट होता है या तो क्या होता है, अभिलंब की ओर होता है या अभिलंब से दूर हो जाता है, या तो अभिलंब की ओर आएगा या अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक दोस्त, इसमें किसी को दिक्कत? चलिए तो एंगल में आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं देखूंगा कि ये क्यों ऐसा होता है कि मतलब दूर होता है और दूर मतलब कभी नज़दीक आता नॉर्मल है, कभी नज़दीक जाता नॉर्मल से दूर हटता है। तो दोस्त मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, ठीक ना। तो देखते जाइए आप, यहाँ पर देखिएगा एक बार कि नोट में बना के लिखना चाहूँगा, ठीक ना। नोट देखिए, नोट में करने का मतलब है दोस्त कि देखिए जब हमने विरल से अगर सघन में आना चाहेंगे, डेंस रेयर से डेंसर मीडियम में आना चाहेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए तो रेयर हुआ, ये तो आसानी से आ गया, ठीक ना, आसानी से हो गया। अब दोस्त ये डेंसर है मतलब घना घना है, तो क्या होगा, जैसे घना घना होगा तो उसको जानने में परेशानी होगा कि नहीं होगा। आप ही सोचिए कि जहाँ पर घना घना है ऐसे समझिए कि एक नदी है दोस्त, ठीक है, और एक नदी में बहुत पानी बह रहा है बीच से, तो बहुत पानी बह रहा है बीच से तो वो क्या करेगा कि साइड खोजता है कि नहीं, साइड खोजता है, कभी इस साइड खोजेगा कभी इस साइड खोजेगा कोई भी आदमी। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब हमने शुरू में काम किया तो आसान था हमारे लिए, तो हमने किसी काम को जल्दी कर लिया क्योंकि आसान काम था। जैसे ही यहाँ पर सघन आ गया, कोई भारी काम आ गया, तो उसमें मुझको टाइम लगा, तो टाइम लग गया तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ा मैं ढीले हो जाऊँगा, है कि नहीं, थोड़ा मैं ढीले होगा। तो कहने का मतलब ये नॉर्मल है, तो जब सघन मीडियम में गया तो क्या हुआ, ढीले हो गया। तो ये दोस्त इस तरह से मूव कर गया, इस तरह से बेंड कर गया, ये इस तरह से जाना था इसको इधर, जाना था इधर, मगर ये इस तरह से मूव कर गया, ठीक। जब आप क्या करेंगे, ये एक कंडीशन हो गया दोस्त पहला, और पहला था। अब दूसरा कहेंगे क्या कि दूसरा में क्या होगा, जब सघन से कहने का मतलब पहले हमको थोड़ा कठिनाई काम करना पड़ा, ठीक, थोड़ा कठिनाई करना काम करना पड़ा, बाद में हमको क्या हुआ, सरल हो गया, आसान हो गया, तो हम थोड़ा जल्दी स्पीड खींचेंगे ना, तो क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा देखिए नॉर्मल से फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक। जाना था मान लीजिए इसको जाना था इस तरह से, मगर लाइन का नॉर्मल से दूर चला गया, नॉर्मल से क्या दूर चला गया, ठीक, ये कंडीशन होता है, ठीक ना। आपको याद रखना है सघन और विरल को याद रखना है, इसलिए मीडियम आपको याद रखना पड़ेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है ना, कांच का कितना होता है, हवा का कितना होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छा से समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल में भी काम होगा, सब जगह काम होगा, हेल्पफुल होगा दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा अंधेरा है फिर भी आप लोग देखते जाइए, ठीक ना, किस कहीं पर दिक्कत किसी को परेशानी तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक दोस्त। चलिए तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा एक बार, और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, नोट भी लिख रहा हूँ, देखिए नोट फर्स्ट में लिख रहा हूँ दोस्त। नोट फर्स्ट क्या कर रहा है कि देखिए, ठीक ना, जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक ना। जब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, जब ठीक ना प्रकाश के किरण, ठीक ना प्रकाश की किरण, ना प्रकाश के किरण, ठीक ना, क्या होगा, विरल से, ठीक ना, विरल से, ठीक ना, सघन दिख रहा है दोस्त, विरल से सघन, ठीक ना, विरल से सघन। देखिए जब प्रकाश के किरण विरल से सघन माध्यम में, ठीक ना, माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में, ठीक, प्रवेश करती है तो क्या होगा, प्रवेश करती है तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक ना, अभी ठीक लंब अभिलंब की और, ठीक ना, अभिलंब की और मुड़ जाती है, ठीक ना, मुड़ जाती है मतलब घूम जाती है। इसमें किसी को दिक्कत? देखिए क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ओके दोस्त, यही चीज़ को एक बार और मैं लिखना चाहूँगा कि देखिए, अब दूसरा मैं नोट बना के लिखूँगा, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, दूसरा देखिए, जब प्रकाश के किरण क्या होगा, विरल को हटा के उल्टा करूँगा, देखिए सघन से विरल में कहना चाहूँगा, ठीक ना, सघन से विरल करूँगा दोस्त, विरल, ठीक ना। तो सघन से जब विरल मैंने किया तो क्या होगा, उस माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब की और नहीं मुड़ेगा, अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक ना, अभिलंब से, ठीक ना, अभिलंब से क्या होगा, दूर हो जाती है, ठीक ना, अभिलंब से क्या होगा, दूर हो जाती है। किसको दिक्कत? अभिलंब से क्या होगा, दूर, ठीक ना, दूर हो जाती है, ठीक ना, अभिलंब से क्या होगा, दूर हो जाती है।
किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत हो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं दोस्त। इसमें किसी को दिक्कत हो, किसी को परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। तो दोस्त मैं सोचता हूँ कि आज के लिए सेशन में इतना ही रखूँ, ठीक ना। और नेक्स्ट जो लाऊंगा टॉपिक उसमें आपको मैं बता दूंगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्त प्रकाश के जो अपवर्तन के दो नियम होगा, ठीक ना, दो नियम होगा, ठीक ना। इसको भी मैं डील कर दूँ क्या, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। चलिए इसको कल लेके आऊँगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक, छोटा छोटा मैं लेके कर रहा हूँ। तो दोस्त इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को समस्या तो मुझे कमेंट करिए दोस्त, किस तरह, थोड़ा लाइट का समस्या हो सकता है, मानता हूँ, ठीक ना। धीरे धीरे मैं भी इसकी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको इस वीडियो को दोस्त शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट के साथ पहुँच जाए, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।